मेरा दिल चाह रहा था आलू का भुरता और खिचड़ी खाने को, तो ये मैंने 3 आलू उबाले हैं, ये 3 आलू उबाले हैं और ये खिचड़ी भीगी हुई है, ये खिचड़ी का चावल भीगा हुआ है, ये खिचड़ी का चावल भीगा हुआ है। सही है, अब मैं इसको पकाने जा रही हूँ। तो अचानक मुझे ये सूप का पैकेट नज़र आ गया, परसों तरसों मैं गई थी तो मैं लेके आई थी, तो मैंने बोला चलो आज सूप पी लेते हैं, मगर फिर गर्मी लग रही है। ये सूप बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि सूप पी लूँ या ये खिचड़ी बना लूँ, आलू का भुर्ता बना लूँ, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप ही लोग बताएं कि क्या करूँ और क्या पका लूँ, समझ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है। मगर पकाना तो पड़ेगा क्योंकि खाना है, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो बस देखते हैं फिर क्या पकाते हैं। तो मैंने कहा कि ना आज खिचड़ी बना ली जाए, अब मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग मेरा इंतज़ार करें। और ये नैमी तकरीब कारी में लगी हुई है, कुछ इनका दिल चाह रहा है कि कुछ कर लूँ। हेलो करें, सलाम करें। ओ मेरी बेबी, देखें आप लोगों को सबको सलाम करती है, क्योंकि ये मेरा छोटा और प्यारा सा बेबी है। बस 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 बस, और बताएं इसके लिए बहुत दुआ दुआ किया करें, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। और बस आप लोग, हम लोग तो साथ साथ हैं। मैं पका के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा जायका आया, ठीक है। ये मैंने खिचड़ी का मसाला तैयार कर लिया है, हरी मिर्ची मैं ज़रूर डालती हूँ। अब उसके साथ मैं क्या करूँगी कि ये थोड़ा सा पानी इसका फेंक के और ये चावल इसमें डाल दूँगी, चावल इसमें डाल दूँगी और थोड़ी देर तक मैं चावल को इसमें चलाऊंगी, ताकि चावल में खिचड़ी में मसाले का जायका रज बस जाए। खिचड़ी में हरी मिर्ची ज़रूर डाला कीजिए, हरी मिर्ची बड़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। और थोड़ी सी आग तेज़ कर देंगे, ये बात है। देखिए आप, क्या बात है, आप लोग मेरी टिकटॉक नहीं देखते हैं, नुज़रत फ़ज़ल के नाम से मेरी टिकटॉक है, देखा करें। और ब्लॉग में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपनी मर्ज़ी से कर लिया करें, ज़रूरी नहीं है हर रोज़ बोला जाए, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी, तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें नमक सब कुछ पूरा कर दिया है, नमक, गरम मसाला और हरी मिर्ची। बहुत लजीज खिचड़ी बनती है जब आप प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और गरम मसाले को तेल में गरम कर लेंगे खूब अच्छी तरह, फिर आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त खिचड़ी बनती है। अच्छा, हमारे साथ ये मसला है, सुबह कहते हैं मम्मी सूखी हुई खिचड़ी होनी चाहिए, मुझे थोड़ी हल्की हल्की गीली अच्छी लगती है, और सुबह के अब्बू भी कहते हैं थोड़ी सूखी हुई होनी चाहिए, तो मेरी समझ में नहीं आता खिचड़ी किस तरह बनाऊँ। तो मैंने कहा बना के मैं ही खा लेती हूँ, बाकी सूखती रहेगी, ठीक है ना। अब जा रही हूँ बनाने आलू का भुर्ता, ठीक है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, और आप लोगों का हमारा साथ बंधा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह बरकत दे मेरे खानों में, मेरे बावर्ची खाने में, अल्लाह ताला रिज़क रोज़ी में हमारे यहाँ बरकत डाले और हमारे मुल्क पर रहम करे। यहाँ हुआ मैकडोनल्ड्स फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ। अब ये थोड़ा सा डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्ची, कच्चे प्याज का बना रही हूँ, ठीक है। ये डालूँगी थोड़ा सा काली मिर्ची, और ये डालूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा। ये मैं सब पीस के, काली मिर्ची पीस के, ज़ीरा पीस के, ये भी मैं घर में ही पीसती हूँ, लाल मिर्ची जो है ना, ये भी मैं घर में ही पीसती हूँ। अरे इसमें मैंने काली मिर्ची डाल दी गलती से, देखें ज़रा मेरी भूल हो गई, ठीक है, ये मैं घर में पीसती हूँ। इसमें मैं डालूँगी अब ये, इस सारे मसाले को मैं हाथ से ऐसे करने के बाद, ठीक है, ऐसे करने के बाद इस सारे मसाले को मैं डाल दूँगी। ये मैंने इसमें लहसुन डाला है तेल में, और ये मैं डाल दूँगी इसमें, ठीक है। ये मैंने सब इसमें आलू का भुर्ता इसमें डाल दिया, लहसुन के भगाड़ से बहुत जायका देगा ये आलू का भुर्ता, देखें। आलू उबाल के मैंने इसमें प्याज डाली, प्याज डालने के बाद मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, नमक, ये सब डाला। उसके बाद मैं जो हूँ वो
इसको फिर मैंने तेल गरम करके हल्का सा थोड़ा सा तेल लेके इसमें लहसुन डाल के और फिर इसको डाल दिया। अब इसको चलाऊंगी मैं, थोड़ा सा इसको मैं चला लेती हूँ। तो लहसुन की खुशबू से बहुत ये मज़ा देता है, बड़ा जायकेदार होता है और बड़ा स्पाइसी हो जाता है। मगर मिर्ची कम डाल दिए, खा तो लो, सारी रात पेट में आग लगती रहती है। समझ में नहीं आता है कि इतनी मतलब मिर्ची पेट में लगती है, सीने में जलन करता है, तो ये बात है, ठीक है ना। नेमी का अक्सर फीडर यहीं रह जाता है, नेमी पीती तो वैसे कांच में ग्लास की फीडर है नेमल की, मगर एक मैं एहतियात में अपने घर भी रखती हूँ कि कभी अब इनके घर से नहीं आई तो मैं इसमें दे देती हूँ। और दूसरी बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह बरकत दे मेरी मेरे खानों में, मेरी खिचड़ी में अल्लाह बरकत दे, जायके दे, लज्जत दे अल्लाह ताला। खैर मेरे हाथ के खाने बड़े मशहूर हैं, सब लोग बहुत पसंद करते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत, सुबहान तो मेरे हाथ के बगैर पराठा खाता नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको ढक देती हूँ और इन चीज़ों को बंद कर देती हूँ जब तक आप मेरे साथ आइएगा। ये लेमन आखिर में मैं उसमें ऐसे करके मैं लेमन डाल दूँगी, लेमन का जूस। ठीक है, ऐसे आपको मैं एक अहम बात बताती चलूँ, जब हम नींबू निचोड़ लेते हैं तो इस नींबू के छिलके को फ्रीज करते हैं इस तरह ये मैंने फ्रीज किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी फ्रीज कर दे। अब जब मेरे को लगता है कि मेरी तबीयत भारी हो रही है, खाना मुझे ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं छुरी से कट करके और फिर इसको चूस लेती हूँ, छिलके के साथ खा लेती हूँ। और बताया है कि छिलका बहुत फ़ायदेमंद है इसका, तो मैं खा लेती हूँ। तो ये मैं इसको निचोड़ने के बाद भी फ्रीज कर देती हूँ और फिर आराम से इसको खा लेती हूँ। माशाल्लाह फ्रिज की कूलिंग बहुत अच्छी है, हायर का फ्रिज है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुआ भुर्ता तैयार, ये हुआ खिचड़ी तैयार। अब मैं बैठ गई डिनर करने और बस आप लोगों की दुआओं से सब चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख आप लोगों की दुआओं से चल रहा है। और ये आपके अंकल भी खा रहे हैं, अंकल के हेयर कट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, डिफेंस से ही कराती है वरना 8 नंबर से कराते हैं, अक्सर तो कराची से कराते थे। सलाम दुआ ले लें आप। अस्सलाम वालेकुम, सलाम दुआ ले लें भाई, कैसे है? हाँ सब लोग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह ये खा रहे हैं, ये आज खिचड़ी खा रहे हैं। हाँ, दिल चाह रहा था इनका भी, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। और ये नेमी, हेलो, हाउ आर यू, किस कर दे पपी दे दे। चलो ठीक है, नो बाय नहीं, अभी मम्मी दिखा रही है, नानी दिखा रही है खाना। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम लोग।